लेकिन मैंने आपसे कहा सुनिए मेरी बात सुनिए, अगर इस मुल्क ने तरक्की करनी है तो ये मुल्क तरक्की करेगा मोहब्बत से, और ये करेगा तरक्की जबकि हम लोग डाइवर्सिटी को नहीं भूलेंगे। ये मुल्क डाइवर्स है, कल्चरली डाइवर्स है, लैंग्वेजली डाइवर्स है, हर तरीके से डाइवर्स है। हमें इस डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है, और तब हम इस डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करेंगे तो ये मुल्क आबाद रहेगा। डॉक्टर साहब, अभी महबूबा जी से भी बात हुई है, उसने भी बात की जो कल बीजेपी के आईटी सेल के बंदे को पकड़ा गया जम्मू कश्मीर पुलिस ने, वो मिलिटेंट निकला। मैंने देखिए, मैं उस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। मैंने आपसे कहा, आपने एक सवाल पूछा मोहब्बत का, मैंने आपको जवाब दिया। ये भी आपसे कहूँगा, मैं लोगों से ये भी कहूँगा, सब्र करो। अल्लाह ने कहा है सब्र करो, वो ज़रूर इस मुश्किल से लोगों को निकालेगा, वो दिन आएगा इंशाअल्लाह। जिस मोहब्बत के बारे में आपने बात की, अगर हम पूरे देश में देखें तो ऐसे तत्व हैं, ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। देखिए, मैं आपसे कहूँगा, शैतान हर वक्त रहा है, शैतान हर वक्त रहेगा, मगर कुदरत की ताकत जो है वो बहुत मजबूत है, और ऐसे लोग हैं इस वतन में जो उनके साथ नहीं है। यहाँ शैतान बहुत कम है, अल्लाह के बंदे बहुत हैं, और मुझे उम्मीद है कि वो शैतान को बाहर निकाल दिए। अच्छा टाइम जम्मू कश्मीर का, मैं अच्छा टाइम देख रहा हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें मुश्किलों से निकालेगा। हमारा ईमान सही होना चाहिए, हमारा रास्ता सही होना चाहिए। अगर हमारा रास्ता सही है, ईमान सही है, तो अल्लाह ताला हमें बरकतों से नवाजे। लेकिन उसके लिए आप डेमोक्रेसी का रास्ता इख्तियार करते हैं, जिसके दरवाजे बंद किए गए। डेमोक्रेसी ही चलेगी, डेमोक्रेसी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, और हमने उस कॉन्स्टिट्यूशन का हल्फ उठाया है। इंशाल्लाह हम उसको प्रोटेक्ट भी करेंगे, अल्लाह भी उसमें मदद करेगा। सर, एलजी साहब ने कहा कि जल्दी जो प्रक्रिया थी इलेक्शन को लेकर वो कंप्लीट हो रही है, और पूछिए इलेक्शन लाडून। आपको लगता है साजगार है माहौल इलेक्शन के लिए? आप सीरियस बात देखिए, जब ये फ्लड्स में इलेक्शन लड़ सकते हैं तो क्यों नहीं लड़ सकते? ये सवाल इस बात का है कि कैसे लड़ना चाहेंगे। क्या इकट्ठे लड़ना चाहिए यहाँ की लाइक माइंडेड पार्टी? ये लड़ेंगे, इकट्ठे लड़ेंगे, अकेले नहीं लड़ेंगे। मुझे तो अफसोस है कि एक जमात ने कहा कि हमने इसको अलायंस को छोड़ दिया। वो कभी इस अलायंस में थे ही नहीं, तो कैसे वो कहते? वो मेरे दरवाजे पर रोज आते थे, मगर उनका ईमान सही नहीं था। आप किनकी बात? और वो समझते थे कि वो हमें अंदर से तोड़ेंगे। अल्लाह ने पहले ही उनको निकाल दिया। डॉक्टर साहब, ओवरऑल सिचुएशन कैसे दिख रही है आप जम्मू कश्मीर के लिए? अब देखिए, आप मुझे इतना सियासत में ले जाएंगे, इसका हाथ नहीं है। आप इतना है कि हम लोग अमन चाहते हैं, हम लोग अमन में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम नफरतों से निकलना चाहते हैं, हम भाईचारे में आगे बढ़ना चाहते हैं। जो भाईचारे के खिलाफ है, अल्लाह ताला उनको खुद ही गिराए। डॉक्टर साहब, तिरंगा चढ़ाने से भाईचारा कायम हो सकता है? 15 अगस्त पे कहा गया था हर घर पे तिरंगा होना चाहिए, तो क्या देखिए फरमान निकला? मैं आपसे कहूँगा, फरमानों से कभी तिरंगा उड़ नहीं सकता, तिरंगा दिल में उड़ना चाहिए, तब बात बनेगी। डॉक्टर साहब, यात्रा चल रही है, और जो चढ़ाएं जहाँ मर्जी चढ़ाएं, कौन रोकता है? मालिक कुल है। डॉक्टर साहब, यात्रा को सारे कश्मीरी ऑलमोस्ट यहाँ पे वेलकम करते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँ, यात्रा जो है वो कश्मीरियों ने हर वक्त दिल से चला। जब वहाँ पे उस गुफा में लिंगम दिखा उस मुसलमान को, रहने वाला पहलगाम का बोटा बोले एक गडेरिया, वो दौड़ गया उसी वक्त मटन पहुंचा। मटन में उसने कश्मीरी पंडितों के जो बड़े बड़े हैं उनको कहा, मेरे साथ आओ, मैंने आज ऐसी चीज़ देखी है जो मैं हैरान हो गया। कौन था वो? मुसलमान था। कभी भी मुसलमान ने उंगली नहीं उठाई किसी धर्म के खिलाफ, कभी नहीं। यहाँ भाईचारे में रहे, वो हवा आई, 90 में हवा आई, मैं मानता हूँ, मगर वो हमारी हवा नहीं थी, वो कहीं और से आई। उसका खामियाजा आज भी हम भर रहे हैं। ये शायद कश्मीर, जम्मू कश्मीर में ही ये ऑर्डर आज निकला है
तिरंगा यहाँ पर 1947 से लहरा रहा है और कभी भी कहीं भी किसी कश्मीरी ने, जम्मू कश्मीर के नागरिक ने कभी भी कोई बैद भी इस झंडे के साथ नहीं किए, नेवर। इट फ्लाइज हियर विद ऑनर एंड रेस्पेक्ट, इट यूज टू फ्लाई हियर विद ऑनर एंड रेस्पेक्ट विद द कश्मीर फ्लैग एज गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो हमारी अपील है, दरखास्त है, इससे आप क्या दिखा रहे हैं पूरे वर्ल्ड में कि क्या कश्मीर आपके साथ नहीं है? क्या कहीं पर इस तरह का ऑर्डर है क्या आपको हर घर में झंडा लहराना है? झंडा जब दिल से लहराएगा कोई आदमी तब झंडा होगा, जबरदस्ती आप बोलेंगे तो ये तो कोई बात नहीं बनी। मैं उम्मीद रखता हूं कि इस ऑर्डर को भी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, हुकूमत हिंद इस पर नजरसानी करेगी, क्योंकि ये एक अच्छा मैसेज नहीं देता है। उसके बाद में एक और अहम चीज है,